नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स ला फैमिली और हमारी फेवरेट संडे क्वेश्चन आंसर वीडियो, जो कि पिछले दो संडे से नहीं डल पाई है क्योंकि आपको पता है आउटलेट्स पे जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से जो है नहीं डल पाती। तो मैं ट्राई करूंगा कि हर संडे आए, बट आप थोड़ा सा सपोर्ट मुझे करना। तो यहाँ पर पहला कमेंट लेते हैं, साहिल कुमार कह रहे हैं पंजाब में खोलोगे तो पंजाब में खुलेगा जालंधर, पंजाब फिक्स हो चुका है, और पर पहले खुलेगा कानपुर में। उसके बाद अनिकेत फर्स्ट थैंक यू जी, संदीप जी कह रहे हैं भैया मुझे बॉडी गेन करनी है, मेरा वेट 59 है, तो आप मुझे हाइट बताइए और प्रॉपर मुझे बताइए कि आप चाहते क्या हैं, बॉडी गेन का मतलब क्या है, वजन बढ़ाना चाहते हैं, मसल साइज दोनों। यहाँ पर सोहेल खान कह रहे हैं भाई बुलंदशहर में कब खुलेगा, तो भाई बुलंदशहर में भी जल्दी खुलेगा, पर पहले अभी कानपुर, कानपुर के बाद में आपका पंजाब, पंजाब के बाद में फिर आपका अलीगढ़, देन फरीदाबाद और आपका बुलंदशहर, यहाँ पर आउटलेट ओपन होगा। यहाँ पर मासूम खान कह रहे हैं ये टैबलेट को से बताए भाई, ये इस तरीके की कोई टैबलेट मत लिया करो, ये सोना डेक फैक अतरम शटरम मत लो, इनको दूर रहो इनसे। और यहाँ पर अनिकेत जी कह रहे हैं वेस्ट बंगाल में नेक्स्ट आउटलेट, नहीं वेस्ट बंगाल में अभी नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट है कानपुर उत्तर प्रदेश। पिंटू जी कह रहे हैं भाई छपरा मेरी करो यार, मैम से यार एक सप्लीमेंट से परेशान हो गया। भाई मैं समझा नहीं पिंटू, आप क्या कहना चाह रहे हैं, प्रॉपर कमेंट कीजिए मुझे, प्रॉपर मुझे पूछिए सवाल ताकि मैं प्रॉपर आंसर दे सकूं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं। युवराज कह रहे हैं भैया जी अवतार गेनर से रिजल्ट नहीं मिला है और ना ही स्टारक से मिला है, अब भैया मुझे गेनिंग नहीं करनी है, मसल साइज बढ़ाना है, क्या करूं, सजेस्ट मी। युवराज भाई देखो मुझे नहीं पता आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिला, शायद आपने डाइट फॉलो नहीं की है, क्योंकि डाइट फॉलो करते तो रिजल्ट जरूर आता। और अवतार से फिर भी ना आए क्योंकि उसके रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं है, पर स्टार एक्स के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, पर स्टिल आपने जो है यहाँ पर गोल चेंज किया है, तो अगर आपको मसल साइज बढ़ाना है तो यहाँ पर आप प्रोटीन की तरफ जाइए। प्रोटीन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आरसी है, नाइट्रोटेक है, नाइट्रावे है, स्टार एक्स का ही है पावर प्रो, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको सभी मिलेंगे ओरिजिनल सप्लीमेंट्स वाला से। भारत सिंह कह रहे हैं आगरा में आउटलेट खोलो सर प्लीज़, तो भाई आगरा में भी ओपन होगा पर अभी अगला आउटलेट है कानपुर में। अमित जी कह रहे हैं हेलो सर सहारनपुर में कब ओपन करोगे, भाई सहारनपुर में अभी नहीं, थोड़ा डिले है क्योंकि पहले कानपुर है, देन उसके बाद पंजाब है, देन उसके बाद में अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, पर सहारनपुर में भी होगा पर अभी थोड़ा सा डिले रहेगा। राहुल जी कह रहे हैं भाई मेरी एज 20 है, मेरा वेट 67 है, हाइट 5'8" है, मेरे को वेट नहीं बढ़ाना शरीर बढ़ाना है, कुछ ऐसा कॉम्बो बता दो। राहुल भाई आप यहाँ पर लीजिए पावर प्रो प्रोटीन, उसके साथ में टेस्ट्रो पावर और एक क्रिटीन एनर्जी प्रो, ये कंप्लीट आप स्टैक लीजिए, आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे। अमन जी कह रहे हैं सुमित भैया पावर मसल गेनर लिया था और डाइट में थोड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए जो पावर मसल गेनर लिया है होने वाला है उसी को कंटिन्यू रहूं या प्रोटीन लूं, स्टार एक्स वाला फुल सपोर्ट, लव यू सप्लीमेंट्स ला, और कोलकाता में भी स्टोर ओपन कीजिए, हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। अमन भाई जरूर कोलकाता में स्टोर ओपन होगा, बट अभी उसमें टाइम रहेगा। और यहां पर देखो अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आप पावर प्लस मसल गेनर की तरफ ही जाइए, वजन नहीं बढ़ाना तो पावर प्रो प्रोटीन लीजिए, वो बेस्ट है मसल साइज गेनिंग के लिए। शॉर्ट जी कह रहे हैं भैया पंजाब जलंधर में भी शॉप ओपन करो, तो भाई पंजाब में ओपन होगी और जलंधर में ही ओपन होगी और बहुत जल्दी मैं अनाउंस करूंगा डेट, पर पहले अभी कानपुर में है। वर्ल्ड क्रिकेट कह रहे हैं भैया साउथ इंडियन कर्नाटक में भी शॉप ओपन कीजिए, भाई तो साउथ इंडियन की तरफ भी रुक करेंगे, पहले थोड़ा नॉर्थ इंडिया थोड़ा कवर करें क्योंकि नॉर्थ इंडिया जो है बहुत डिमांड रहती है और नॉर्थ इंडिया में डुप्लीसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर कवर करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी साउथ इंडिया में भी जल्दी मैं आपको जो है आउटलेट ओपनिंग की न्यूज़ दूंगा। सोनू जी कह रहे हैं भाई जी बुलंदशहर में भी खोलो, तो भाई बुलंदशहर में जरूर खुलेगी, कानपुर, कानपुर के बाद में जलंधर, देन फिर बुलंदशहर, अलीगढ़, यहीं का नंबर है। प्रणव जी कह रहे हैं सर आप सबसे ज़्यादा कौन से आउटलेट पे अवेलेबल रहते हो, तो भाई देखो मेरा टाइम रहता है, अब जैसे आउटलेट बढ़ते जा रहे हैं तो एक दिन वहाँ फिक्स हो गया, एक दिन वहाँ फिक्स हो गया, बट स्टिल जो है मैं ज़्यादातर रहता हूँ पलवल आउटलेट पर। आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए हैं वहाँ पर आप कन्फर्म कर सकते हैं मैं किस दिन किस आउटलेट पर हूँ, और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो, जिस भी आउटलेट पर रहता हूँ एक दिन पहले वीडियो बना देता हूँ तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। रहमान जी कह रहे हैं सुमित भाई लखनऊ में कब आउटलेट ओपन होगा और कितना वेट करवाएंगे, भाई रहमान लखनऊ में होगा बट अभी कानपुर, पहले कानपुर में देन फिर लखनऊ में भी ओपन करेंगे। कैप्टन कह रहे हैं पंजाब में खोल दो, इधर के एरिए में आपको कोई आउटलेट खोलो, लुधियाना में, भाई लुधियाना नहीं जलंधर में ओपन होगा और जल्दी मैं डेट अनाउंस करूंगा। जय सिंह जी कह रहे हैं भाई ओडिशा में ओपन करो, भाई होगा जरूर। साहिल ब्लॉग कह रहे हैं भाई पंजाब में कब ओपन करोगे, भाई मेरा गोल है कि पंजाब में अक्टूबर एंड तक पंजाब में ओपनिंग हो जाए और पंजाब में ओपनिंग होगी जलंधर में। आदिल खान कह रहे हैं थैंक यू ब्रो मेरे वीडियो अपलोड करने के लिए, तो थैंक यू आदिल जी इतने प्यार सपोर्ट के लिए। और कह रहे हैं और भाई मैं ये पूछ रहा था कि मथुरा कब आते हो आप, तो भाई मथुरा आता हूँ मैं सैटरडे पर, एक सैटरडे छोड़कर अगला सैटरडे, मतलब महीने में दो दिन। रोहित जी कह रहे हैं क्या हाल चाल भाई और घर पर सब ठीक कैसे हैं, तो रोहित भाई बिल्कुल सब ठीक हैं, आप बताइए आपकी क्या हाल चाल हैं। निखिल जी कह रहे हैं राम राम भाई, तो राम राम जी लव यू पलवल असावटी, तो पलवल असावटी से निखिल भाई का इतना प्यार भरा मैसेज थैंक यू। श्याम सुंदर कह रहे हैं छत्तीसगढ़ शॉप ओपन करो, तो जरूर ओपन होगी भाई छत्तीसगढ़ में भी, पर अभी टाइम लगेगा, अगला आउटलेट है कानपुर। ऑलमोस्टली कह रहे हैं बिहार में सर, तो बिहार में भी जरूर ओपन होगा पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें।
तो सुनील जी राम राम, राम राम जी संदीप जी कह रहे हैं मांस गिरण में पीनट बटर मिलाकर ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और विवेक जी कह रहे हैं भाई मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है, मेरा वेट 50 kg है, तो भाई यहाँ पर पावर मांस गिरण लो ताकि वजन बढ़ सके, शरीर बढ़ सके। विवेक जी कह रहे हैं भाई मैं क्या लूँ, फतेहाबाद में खोलो भाई, फतेहाबाद में ओपन होगा। सेवन जी कह रहे हैं सोनीपत हरियाणा में कब ओपन करोगे, तो भाई सोनीपत का भी अभी नंबर रहेगा, पर अभी कानपुर देन जलंधर पंजाब, उसके बाद में फिर जो है सोनीपत अलीगढ़ बुलंदशहर यहाँ पर जो है कवर करेंगे। मैं बॉक्सिंग करता हूँ पावर मास गेन ले सकता हूँ, भाई बॉक्सिंग करते हो पावर मास गेनर क्यों लेना चाहते हो, पावर मास गेनर वजन बढ़ाने के लिए है, आप बॉक्सिंग करते हो मेरे हिसाब से मसल गेनर बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि बॉक्सिंग में जो है मसल्स की स्ट्रेंथ और मसल बिल्डिंग पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि वजन पर। और जितना वजन बढ़ेगा, क्योंकि वेट कैटेगरी रहती है आपकी यार, आप पता लगा कि 55 में खेलते आए हैं और वजन बढ़ गया आपका, अब 60+ में खेल रहे हैं, तो वहाँ पर फिर कॉम्पिटिशन और हार्ड रहेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, चीज़ आप ध्यान रखें, वजन पर नहीं मसल्स पर फोकस कीजिए, स्ट्रेंथ पर फोकस कीजिए। यादव जी कह रहे हैं ब्रो वेट गेन करने के लिए सबसे बेस्ट सप्लीमेंट कौन सा है, जैसे वेट गेन 100% हो जाए, जैसे रुपीज़ ख़राब ना हो, रिजल्ट मिल पाए। यादव भाई देखो, वेट गेन करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है डाइट, अगर आप डाइट पर पूरा फोकस रखेंगे फिर लो आप पावर मास गेनर बेस्ट रिजल्ट हैं, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। बाइक लवर कह रहे हैं सर मैं 5 फुट 4 इंच है, मेरा वजन 52 किलो है, मैं पावर मास ले सकता हूं, तो भाई ले सकते हैं आप, मतलब जो है 60 kg तक कर सकते हैं वेट, उसके बाद में बेशक आप प्रोटीन यूज़ कीजिए। अनीप सिद्दीकी कह रहे हैं हाय, तो हाय जी, कह रहे हैं ब्रो मैं पूछ रहा हूं मेरठ में कब मिलते हो, तो मेरठ में भाई मैं सोमवार को मिलता हूं, पर एक सोमवार छोड़कर अगला सोमवार। डीजे राम जी कह रहे हैं भाई यह वीडियो मैंने पूरा देखा लेकिन मेरा कमेंट नहीं आया, भाई मैं माफ़ी चाहूँगा भाई, वीडियो आपको क्या कमेंट था भाई, मैं दोबारा आप पूछिए, मैं दोबारा आपको जो है रिप्लाई करूंगा। प्रशांत जी कह रहे हैं कानपुर में कब, तो भाई कानपुर में यार थोड़ा डिले चल रहा है, तो आपको पता बारिश का कितना हाल चल रहा है, पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश ही बारिश है, इसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया है, वरना हमारा जो मतलब ओपनिंग का जो टाइम था वो था कि 30 सितंबर तक हम ओपन करते हैं, पर अब ये डिले हो गया है, तो 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में हम रखेंगे, कौन सी डेट कौन सा वार होना चाहिए ये भी आप सजेस्ट करो। यहाँ पर हर्षित जी कह रहे हैं भाई आप बहुत नेक इंसान हो सुमित भाई, तो भाई हर्षित मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट और प्यार है, और इसी में मतलब जो है नेक दिल इतनी ट्रू फील्स के साथ मैं काम करता रहूँगा। नन्हे जी कह रहे हैं भाई लखनऊ में ओपन कीजिए, भाई कानपुर में ओपन होगा उसके बाद लखनऊ। शहीद जी कह रहे हैं भाई लखनऊ फैज़ाबाद बस्ती में आउटलेट ओपन करो जल्दी से, भाई बिल्कुल लखनऊ में बहुत डिमांड है मैं समझ रहा हूँ, पर अभी कानपुर है फिर लखनऊ की तरफ भी आएंगे। वसीम जी कह रहे हैं सर मसल बिल्ड करने के लिए सिंगल पार्ट या डबल पार्ट एक्सरसाइज करें, अगर डबल पार्ट करते हैं तो कितने सेट लेने चाहिए, फॉर एग्जांपल हम एक साथ चेस्ट और ट्राइसेप करते हैं दोनों में कितने कितने सेट लेने चाहिए टाइम वर्कआउट करें। भाई वसीम देखो बिल्कुल आप जो है डबल पार्ट ट्रेन कर सकते हैं, पर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि मसल बिल्डिंग में जो है ना मेजर रोल नो डाउट एक्सरसाइज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, पर मेजर रोल आपके डाइट और आपके रेस्ट का होता है, आप 7 से 8 घंटे नींद लीजिए, प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कीजिए, और अगर आप डबल मसल पार्ट लेते हैं तो एक चीज़ बस ध्यान रखें, जो छोटी मसल है ना हमारी बाइसेप ट्राइसेप्स जो ये छोटी मसल्स हैं इनके हम जो हैं 16 मतलब 4 एक्सरसाइज करें, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग बहुत होती है, जो बड़ी मसल्स हैं लाइक जैसे आपका लैट्स हो गया है, आपके क्वाड्स हो गए हैं, तो इनके जो है हम 24 से 28 सेट भी ट्रेन कर सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप डिज़ाइन कीजिए, और बाकी आपके जिम में जो ट्रेनर हैं उनसे भी कुछ एडवाइस लीजिए, तो आपको प्रॉपर जो है वो गाइड करेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि छोटी मसल्स के 16 सेट और बड़ी मसल के 24 सेट तक आप ट्रेन कर सकते हैं, और बाकी प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखें। एके गेमिंग कह रहे हैं सर मेरा बॉडी वेट है 75 kg, माय एज इज 17, कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए भाई, तो कटिंग पर्पज से तो आप लें आइसो पावर रिप, बेस्ट है कटिंग पर्पज से, मिलेगा वो 7200 का और सर्विंग से उसमें 60+ है, एक बार ले लो 2-3 महीने की गई। और टाइगर फिजिकल हेलो हेलो जी, आदेश जी कह रहे हैं भाई आप फरीदाबाद कब आओगे, आपसे मिलना है भाई। भाई फरीदाबाद में अभी आउटलेट ओपन नहीं हुआ है, ओपन होते ही मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा और आपको ओपनिंग में जरूर आना है। टाइगर फिजिकल कह रहे हैं सर आप भी सब की तरह फ्रॉड हैं, क्योंकि मुझे पैसे लेकर भी मेरा ऑर्डर ही नहीं किया है आपसे, ये उम्मीद नहीं थी, आप कहते कहते परिवार वाली फीलिंग कहाँ से आ गई, आपने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरे पास सर प्रूफ के साथ है सब। तो भाई देखो मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ है, और कोई बात नहीं कि आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, गलत एक्सपीरियंस हुआ है, पर ऐसा नहीं है यार, आपने जो पेमेंट किया है चाहे कितनी भी पेमेंट किया है वो आपकी बिल्कुल सेफ है पेमेंट, अगर आपका कोरियर डिले हो गया है या आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं कुछ भी बात है तो आपको आपका पूरा रिफंड मिलेगा। मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि कोरियर चार्जेस आप दे दें या कुछ भी, पूरा रिफंड आपको मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं आप वहाँ पर प्रॉपर जो है मैसेज कीजिए। अगर कोरियर आपका डिले हो रहा है, क्योंकि देखो बारिश का मौसम चल रहा है इसकी वजह से बहुत सारे कोरियर जो हमारे 3 दिन में पहुँच जाते थे वो 6-6 दिन में पहुँच रहे हैं यार, तो इसमें बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को प्रॉब्लम आ रही है, पर आप ये ना समझे कि आपने पेमेंट कर दी है, और अगर कर दी है और अगर आप चाहते हैं कैंसिल करना ऑर्डर तो आपको 100% आपका रिफंड मिलेगा,
तो आप बिल्कुल जो है अपसेट ना हो, सप्लीमेंट्स वाला फैमिली कहने के लिए दिल से मानता हूँ। बाकी यहाँ कोरियर डिले चल रहे हैं, इसमें मैं बिल्कुल भी इंकार नहीं करूँगा। बारिश का मौसम है, कोरियर वालों ने पहले ही बोल दिया है, डिलीवरी कोरियर पार्टनर ने जो हमारे उन्होंने बोल दिया कि भैया ये लगा लो कि आप अपने फैमिली मेम्बर से बोल दो कि जो 2 दिन का कोरियर है वो 4 दिन में भी 5 दिन में भी पहुँचेगा, क्योंकि डिले चल रहे हैं। बाकी दिल्ली NCR में तो सेम डिलीवरी है, जयपुर में भी और जगह कोरियर डिले चल रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। पर आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप कैंसिल करना चाहें, पैसे वापस चाहें, आपको पैसे वापस मिलेंगे 100%। संकल्प जी कह रहे हैं, संकल्प नाम है मेरा फ्रॉम काशीपुर, ये टैबलेट लें या नहीं? तो भाई बिल्कुल मत लो संकल्प, ये टैबलेट नुकसान करेगी। और अगर कुछ लेना ही चाहते हो नेचुरल तो टेस्टो पावर आप ले सकते हैं। राजू यादव कह रहे हैं, हे सर मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरा वेट बहुत कम है, मैं 20 साल का हूँ और मेरा वेट भी अभी लगभग 40 kg है। मैं वेट गेन करना चाहता हूँ, मुझे भूख भी नहीं लगती है, यहाँ से सप्लीमेंट लेना है और कानपुर आउटलेट ओपनिंग में आके, बट मुझे एक डाउट है आपकी डाइट को लेकर कि आपकी डाइट महंगी होती है, चीप या एवरेज, प्लीज़ मुझे बताइए, क्वेश्चन लेना नेक्स्ट संडे को। तो राजू भाई जो डाइट होती है वो नॉर्मली होती है, देखो वेट गेनिंग डाइट तो सबसे सस्ती डाइट होती है यार, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मेन होते हैं, उसमें होता क्या है यार, मेजर जो आपका गेहूँ चावल आलू केले ये थोड़ा हम ज़्यादा रखते हैं ताकि वेट गेन हो सके। और हाँ नो डाउट अगर कोई बंदा यार हाई प्रोटीन डाइट पर जाएगा तो उसकी डाइट महंगी होगी, पर आपकी डाइट वेट गेनिंग वाली इजीली आप एफोर्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आउटलेट में आप जरूर आइएगा, मैं आपका वेलकम करूंगा भाई का मालाओं के साथ और वहीं पर आपको सप्लीमेंट भी दूंगा। बाकी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं क्योंकि अभी बारिश की वजह से थोड़ा आउटलेट ओपनिंग डिले हो गई है। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है AR और वो काफ़ी लंबा क्वेश्चन है उनका और वो कह रहे हैं कि आई हैव ए इशू सुमित सर, मैंने सप्लीमेंट विला से मसल टैक नाइट्रो टैक मंगाया है, डिलीवर हो गया है पर जो पाउडर है ना वो मोटा मोटा है, ऐसा क्यों सर? और मैंने जो कोई आपने को चेक किया है ये और किया उसमें जो है ये बता रहे हैं कि जो है 24 घंटे बाद जो है आपने देखा तो उसमें जो है कि किसी केमिकल में मिल गया है, ये फेक है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है, फेक भेजा है आपने ओरिजिनल 10 दिन तक यूज़ करने के बाद आप जो है बता रहे हैं कि प्रॉब्लम भी कुछ हो रही है आपको, पानी भी पी रहे हैं आपको, पिंपल्स की प्रॉब्लम आ रही है, इसके बारे में जो आप ठीक है। देखो यहाँ पर पूरी फैमिली को कहना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। सप्लीमेंट्स विला से आप कोई भी सप्लीमेंट मंगा रहे हैं आइदर इम्पोर्टेड और इंडियन, और जो भी सप्लीमेंट आपको मिलेंगे वो 100% ओरिजिनल मिलेंगे। बात करते हैं हम नाइट्रोटेक की, नाइट्रोटेक को देखो वेरीफाई करने के लिए, देखो मुझे नहीं पता आपने कौन सी किट में चेक किया कैसे किया है, मुझे इतना पता है मैंने मसल टेक नाइट्रोटेक की लैब टेस्ट वीडियो बनाई हुई है। मेरा जो स्टॉक होता है वो डायरेक्ट इंपोर्टर से आता है, जो इंपोर्टर है उसके GMC उनसे डायरेक्ट मेरा स्टॉक आता है। अब समझो इंपोर्टर बहुत बड़ा काम होता है उनका यार, सप्लीमेंट्स बोला हर किसी इंपोर्टर का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वहां से सप्लीमेंट आते हैं, फेक होने का कोई सवाल नहीं होता। उसके बाद मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, देखो आपको विश्वास नहीं होता उसके ऊपर आपका जो है इंपोर्टर टैग है आप उसे स्क्रैच कर सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो, आप उस पे नंबर लिखा हुआ है इंपोर्टर टैग के ऊपर, वहां कॉल करके आप पूछ सकते हो कि सप्लीमेंट्स विला से मैंने सप्लीमेंट लिया है ओरिजिनल है नहीं है, इस टाइप में वो भी आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है सप्लीमेंट्स विला ठीक है। उसके बावजूद मैं कहता हूं यार देखो मुझे नहीं पता आपने कौन सी किट में कैसे क्या चेक किया, मुझे नहीं पता, मैं ये जानता हूं कि ऐसे ही हुई कोई किट खरीद कर घर पर जो है टेस्ट नहीं होता प्रोटीन का, आप इसका लैब टेस्ट करा भी सकते हैं, मैंने इसकी लैब टेस्ट वीडियो बनाई हुई है, आप उसका लैब टेस्ट करा भी सकते हैं। और तीसरी बात कि नाइट्रोटेक एक गेनिंग प्रोटीन है जिसके अंदर क्रिडीन भी है, मतलब 30 ग्राम भर के प्रोटीन है, कोई भी गेनिंग प्रोटीन अगर आप लेंगे तो उसमें आपको स्टार्टिंग में एक आधा पिंपल, एक आधा कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि अगर की पूरी कमर भर रही है कुछ इश्यू हो रहा है आपको, एक आधा पिंपल की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि क्रिडीन जिसकी भी प्रोडक्ट के अंदर होगा उसमें क्या होता है कि क्रिडीन हमारी बॉडी में मसल्स को हाइड्रेट रखता है, उसके लिए हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा वाटर की नीड होती है, और अगर हम पानी कम पीते हैं, वैसे आप 5 लीटर पानी पी रहे हैं बहुत अच्छा पानी है, पर स्टार्टिंग में जो है जो गेनिंग प्रोटीन्स होते हैं वो ब्लॉटिंग की या एक आधा पिंपल्स की इस टाइप में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे जो है बॉडी में थोड़ा सा मतलब प्यास ज़्यादा लगना इस टाइप की जो है हो सकता है। आप वाटर इनटेक अच्छा करें, और आपको विश्वास नहीं है सप्लीमेंट्स वाला आपके साथ एंड तक खड़ा हुआ है, आप इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट कराएं, सारी चीज कराएं, आपको नहीं पता कहां पे लैब टेस्ट रिपोर्ट होगी वो भी मैं आपको गाइड करूंगा यार, पर आप ये ना कहें कि सप्लीमेंट्स वाला से आपको फेक सप्लीमेंट मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। दोस्तों मैं ना बड़ी फीलिंग्स के साथ ये काम करता हूं और आपको परिवार बोलता हूं, आप मतलब जो प्रोटीन आपके पास है ना आप एक काम भी कर सकते हैं कि उस प्रोटीन को मेरे पास भेज दें, मैं उसे खाऊंगा नाइट्रोटेक में। अभी फिलहाल तो देखो मैं लीनिंग पे हूँ, मेरे वेट लॉस का गोल है, तो मैं नाइट्रोटेक को आपके साथ उस डिब्बे को मैं खा लूंगा इस फील के साथ, मतलब जो भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स वाला पर आपको मिलेगा वो आपको 110% ओरिजिनल मिलेगा यार,
अब इंपोर्टर की साइड से गड़बड़ हो नहीं सकती यार, जो ऑथराइज इंपोर्टर इतना बड़ा काम कर रहे हैं उनकी साइड से तो गड़बड़ हो नहीं सकती, और मेरा डायरेक्ट जो स्टॉक आता है वो इंपोर्टर से आता है यार, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कभी को, और आपको कोई भी डाउट है मैं उसको क्लियर करूंगा यार, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। नाइट्रोटेक आपको ओरिजिनल ही मिला है सप्लीमेंट्स मिला से, तो आप बाकी देखो ये किट वो किट, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि 250 400 500 रुपए में किट आ गई है, उसमें किट में ऐसे घोल के देखो वैसे घोल के देखो, भाई घर पे आप जो है प्रोटीन की क्वालिटी या प्रोटीन को जो है कि भाई इसमें पूरा है प्रोटीन या नहीं है वो नहीं कर सकते, इसके लिए बड़ी इतनी बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं यार, पूरा मतलब वो आपसे फीस लेते हैं प्रोटीन के, हमें क्या चेक कराना चाह रहे हैं क्या नहीं कराना चाहते उसके हिसाब से पूरी फीस होती है उनकी, भाई उसके हिसाब से प्रोटीन चेक होता है आपका जो है, पूरा सैंपल जाता है, सैंपल वो चेक करते हैं, एक दो दिन में रिपोर्ट आती है आपके पास, तो ऐसे नहीं कि आप घर में किसी भी चीज़ में घोल रहे हो और उसमें जो है आप ये चेक कर रहे हो, नहीं भाई। और ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं यार, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, ये तो सिर्फ यही चाहेंगे कि जो किट या एक्स वाई जेड जो भी चेकिंग के लिए हम जो सेल कर रहे हैं उसमें जो इन्हीं का प्रोटीन है वही प्रोटीन बिल्कुल ठीक आए, कोई और प्रोटीन अगर कोई घोल के देखे कुछ करके देखे तो वो प्रोटीन नेगेटिव आए और फिर हम ये कहते हैं कि ये प्रोटीन बेकार है, हमारा ही प्रोटीन अच्छा है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है सारी। बाकी मैं आपको जो है श्योर कर रहा हूँ कि सप्लीमेंट्स विला आपके साथ हैं एंड तक, कोई भी डाउट है कुछ भी परेशानी है कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, और एक और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जो स्पेशली जो है कंप्लेंट्स के लिए हमने बनाया हुआ है, क्योंकि जो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पर तो आप ऑर्डर कर सकते हैं और वहाँ पर रिप्लाई भी थोड़ा डिले मिलता है, तो एक कॉन्टैक्ट नंबर जो नीचे आ रहा है यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट कोई कंप्लेंट है कुछ भी एक्सपायर्ड आपको पूरा सेटिस्फेक्शन करूँगा एंड तक मैं आपके साथ रहूँगा, निश्चिंत रहें आप, सप्लीमेंट्स आपका 110% ओरिजिनल है, मसल टेक नाइट्रोटेक। अवधेश कुमार कह रहे हैं भैया मेरा खाया पिया पेट को लगता नहीं है, मैं गट पावर ले सकता हूँ, ऑनलाइन अवेलेबल है क्या? तो बिल्कुल ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करें बहुत बढ़िया रहेगा। तो नन्हे जी कह रहे हैं कानपुर, भाई कानपुर में जो है थोड़ा डिले हो गया, 1 से 10 अक्टूबर के बीच में रखेंगे ओपनिंग। प्रकाश जी कह रहे हैं सुमित भाई गुजरात सूरत शहर में भी आउटलेट डालो, तो भाई बिल्कुल गुजरात में भी डालेंगे, पर अभी जो है कानपुर देन जलंधर पंजाब, उसके बाद में फिर गुजरात का भी नंबर आएगा। फिट मैम जी कह रहे हैं भैया मेरी एज है 17+, हाइट है 5'8", तो मेरा वजन कितना होना चाहिए तुम बताओ, मुझे मास गेन लेना चाहिए? नहीं तो भाई देखो 5'8" के हिसाब से आपको जो आइडल वेट है वो 70 से 75 के बीच में रहना चाहिए, अगर आपका कम है तो आप जो है ले सकते हैं मास गेनर, अगर आपका नहीं है या फिर मैं कह रहा हूँ 65+ है तो मास गेनर नहीं मसल गेनर ले लो, अगर आपका 60 से कम है तो मास गेनर एक बार आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो है पंचाल को कह भैया गुरुराम आउटलेट ओपनिंग की कन्फर्म डेट टाइम लगी, भाई तो ये वीडियो डिले बन रही है तो इसलिए जो है आपका कमेंट में डिले पड़ रहा हूँ, ओपनिंग हो चुकी है। विक्रांत जी कह रहे हैं हेलो सर मुझे कुछ साइड इफेक्ट हो रहे हैं लाइक रेड डॉट्स हाथ पर और फेस पर, थोड़े पिंपल्स भी आ गए हैं, क्या ये साइड इफेक्ट हैं? मैंने डायमेटाइज इलीट मंगाया था न्यू ये कुछ से वेरीफाई तो हो गया जैनून है, मैं बल्किंग कर रहा हूँ, डाइट भी हेल्दी ले रहा हूँ, 1 मंथ से जिम कर रहा हूँ डेली 1 आवर+ हेल्दी डाइट, फिर साइड इफेक्ट किस चीज़ के हो रहे हैं? डाइट रिपोर्ट समझ गया मैं। तो विक्रांत भाई देखो मे बी हो सकते हैं बट जो है पिंप जैसे मतलब एक आधा पिंपल्स की अगर देखो कोई आप प्रोटीन ले रहे हो कोई भी वे प्रोटीन ले रहे हो एक आधा पिंपल्स अगर होता है तो वो नॉर्मल होता है, वो हो सकता है स्टार्टिंग में ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, लूज मोशंस की प्रॉब्लम हो सकती है, ये मतलब जो है ना किसी ने पहली बार सप्लीमेंट लिया है तो इसके साथ कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना पर्सनल आपको बताऊं कि अगर मैं आइसोलेट प्रोटीन्स लेता हूं तो मुझे भी थोड़ा ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम रहती है, एक आधा पिंपल्स कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर ऐसा हो रहा है आपको कि पूरी कमर भरे जा रही है पूरा मतलब शोल्डर पूरा फेस भर गया है तो भाई हाँ फिर प्रोटीन में कुछ ना कुछ झोल जरूर है, एक आधा पिंपल्स हो सकता है उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, जैसे आरसी प्रोटीन में उसमें भी जो है थोड़ा बहुत पिंपल्स की प्रॉब्लम है, बस डायमेटिस इलीट जो है जो ओरिजिनल वाला जो सप्लीमेंट्स वाला पर मिलता है उसमें आज तक तो कोई पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं आई है, पर एक आधा अगर आपको हो रहा है तो नो इशू, क्या करना है सिंपली आप जो है वाटर इनटेक इंक्रीज कर दें, और आपको सजेस्ट करूंगा कि ये ऑनलाइन साइट वो ऑनलाइन साइट मतलब बहुत झोल है, ओरिजिनल ले सप्लीमेंट्स और सप्लीमेंट्स विला से ही ले। जसकरण जी कह रहे हैं भाई थैंक यू Q&A के थ्रो सारे डाउट्स क्लियर हो गए, तो थैंक यू भाई आपका भी। मोइन खान कह रहे हैं ये वीडियो तो मैं जल्दी बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो। संकल्प जी कह रहे हैं भैया मेरा नाम संकल्प सिंह है, मेरी एज 19 है, वेट 60 है, मैं क्या लूँ भैया प्रोटीन मास गेनर फ्रॉम काशीपुर उत्तराखंड? भाई आप मुझे पहले बताओ कि आपका बॉडी गोल क्या है, वजन बढ़ाना है मसल साइज बढ़ाना है, क्या चाहते हो आप, तभी मैं आपको प्रॉपर जो है रिप्लाई करूंगा। नवीन जी कह रहे हैं भाई सोनीपत में जरूर ओपन होगी पर पहले कानपुर देन जलंधर फिर सोनीपत का नंबर भी आएगा। संकल्प जी कह रहे हैं भैया मैंने ये ले सकता हूं? भाई बिल्कुल ये डॉल वो ड्रॉल मतलब ये टैबलेट बिल्कुल नहीं लेनी, मैं अलाउ नहीं करूंगा, लेना भी मत,
वरना पता लगे आपके घर ही आ गया मैं आपको डांटने के लिए, गलती से मत लेना। गुड्डू जी कह रहे हैं जय हिंद सर, बिहार पटना में शॉप ओपन करो। तो जय हिंद भाई, तो मैं जरूर जो है बिहार पटना में करूंगा, पर अभी अगला आउटलेट ओपन होगा कानपुर में। आप जी कह रहे हैं उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में जरूर होगा। कपिल तो कानपुर आ ही रहे हैं भाई, 1 से 10 अक्टूबर के बीच में ओपनिंग रखेंगे। रोहित कुमार कह रहे हैं बिहार में होगा कि नहीं, भाई बिल्कुल होगा पर थोड़ा टाइम लगेगा। करण जी कह रहे हैं चंडीगढ़ में शॉप ओपन करो भाई, तो चंडीगढ़ में नहीं, पंजाब में पहले ओपन होगी, जलंधर में, उसके बाद फिर चंडीगढ़ में भी आएंगे। करण जी कह रहे हैं पंजाब में ओपन होगा बिल्कुल भाई, जलंधर में। मोहम्मद अली कह रहे हैं ब्रो ये प्रोटीन मेल में आई एम पाकिस्तानी, तो भाई देखो ये वाला प्रोटीन इंडिया में काफ़ी कम अवेलेबल है, तो ये अगर आपके वहाँ पे ओरिजिनल मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। मनीष जी कह रहे हैं स्माइल भेज रहे हैं, तो थैंक यू जी। यहाँ पर रोहित कुमार कह रहे हैं हेलो सर, मैं अभी गट पावर लेना स्टार्ट किया, वेट गेन करने के लिए लें, मैं जिम जाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ हैदराबाद में, प्लीज़ रिप्लाई सर। भाई आपने गट पावर से वेट गेन नहीं होता, गट पावर से आपकी भूख बढ़ेगी, हाँ भूख बढ़ने से थोड़ा खुराक बढ़ेगी उससे वेट गेन हो सकता है, पर कंपल्शन नहीं होता यार। और हुसैन जी कह रहे हैं सर जी मेरा वेट 55 kg है, मैं कई बार प्रोटीन जो है पाउडर ले चुका हूँ, मेरा वेट बढ़ा तो लेकिन बाद में घट जाता है, मुझे आपसे मिलना है, मेरठ में कब आओगे भाई? तो मेरठ में तो मैं मंडे को आता हूँ, और भाई यहाँ पर प्रोटीन नहीं मास गेनर की तरफ जाइए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकें। सुखविंदर जी कह रहे हैं सुमित सर गट पावर ऑर्डर की थी, नॉर्मल डाइट बताओ सर जी, व्हाट्सएप पे सेंड की थी, वो तो 2-2 घंटे के बाद खाना है, दिन में 4 टाइम की डाइट बताओ। भाई देखो 4 टाइम में गेनिंग नहीं हो पाएगी, आपको खाना पड़ेगा, देखो एग्जैक्ट आप उसे फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो ट्राई करो कि मैक्स टू मैक्स उसे फॉलो कर पाए। टू कोहली जी कह रहे हैं भैया मेरी हाइट है 5'9", वेट है 42 kg, वेट गेन करना है, भूख भी नहीं लगती है। तो भाई पहले भूख पे काम कर लो, गट पावर ऑर्डर कर लो, फिर महीने भर गट पावर यूज़ करो, उसके बाद पावर मास गेन ले लेना, आपका वजन बढ़ेगा, भूख बढ़ेगी, जो भी रिजल्ट आएंगे वो टिकेंगे, साइड इफेक्ट फ्री होंगे। राहुल जी कह रहे हैं सर आपका भेजा हुआ डाइट प्लान पूरा नहीं ले पाता हूँ, पेट भरा रहता है इसलिए मैं कम डाइट लेता हूँ, मेरा वजन बढ़ेगा या नहीं? 89 rupees का सामान मंगवाया हूँ। भाई देखो बढ़ जाएगा वजन, पर समझ गया मैं आपकी बात। देखो पता है क्या, उसमें ना फ्रिक्वेंसी जो है ना वो आप सेम रखो, मतलब जितने टाइम पर जो डाइट है वो सेम रखो, उसमें क्वांटिटी थोड़ी ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो। लाइक जैसे बनाना शेक है तो जरूरी नहीं 3 बनाना डालने या 2 डालने, 8 भी डाल सकते हो आप, ताकि भूख और जल्दी लग जाए, बाकी गट पावर आप यूज़ कर ही रहे होंगे उससे आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। यहाँ पर पीकू जी कह रहे हैं स्किन के लिए प्रोटीन पाउडर बताएं, भाई स्किन के लिए कोई प्रोटीन पाउडर नहीं होता, मसल बिल्डिंग के लिए होता है। टेक्निकल जी कहते हैं लव यू सुमित भाई, सुमित भाई मैंने कल गट पावर ऑर्डर कर दिया है, लव यू भाई, मेरे गांव ते नगर के पास है, मुझे कितने दिनों में मिल जाएगा गट पावर? सुमित भाई प्लीज़, और सुमित भाई आप हमारे लिए भगवान जैसे हो यार, लव यू सुमित भाई, हमारे ऐसा ही ख्याल रखना। भाई देखो ऐसा मत बोलो कि भगवान जैसा, भाई उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, हम सब भाई हैं, हम सब जो हैं फैमिली मेम्बर्स हैं, ये ठीक है, मैं बड़े भाई की तरह आपका ख्याल रखूँगा, और कभी मतलब जो है आप अगर मेरे से बड़े हैं तो छोटे भाई की तरह आपको जो है बिल्कुल प्यार करूंगा, आपका रिस्पेक्ट करूंगा, पर भगवान के जैसा कोई नहीं हो सकता भाई, वो ही है, उसने बनाया सब कुछ हमको, तो उससे मुझे कंपेयर ना करो प्लीज़। और यहाँ पर जो है आपको मिल गया होगा, क्योंकि ये एक संडे क्वेश्चन आंसर वीडियो जो है आप ऑलमोस्ट 15 दिन बाद बन रही है, तो वो तो आपको मिल ही गया होगा ऑर्डर आपका। तो यहाँ पर जो है आरएन जी थैंक यू जितने प्यार सपोर्ट के लिए, और यहाँ पर भाई एल-कार्निटिन क्या है, कैसे यूज़ करें और क्या फ़ायदा है, बिग फैन सर प्रणव जी कह रहे हैं। प्रणव जी एल-कार्निटिन आपका कह सकते हैं कि नेचुरली जो है बॉडी में काम करता है, मतलब स्टोर फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पर वो फैट बर्नर नहीं है। एल-कार्निटिन का रिजल्ट आप ले सकते हैं, पर बहुत स्लो रिजल्ट होते हैं, और एक्सरसाइज करने से पहले या लंच करने के 1-2 घंटे बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब ड्यूरिंग डे भी ले सकते हैं, एक्सरसाइज से पहले लेंगे तो बेटर रहेगा गुनगुने पानी में। पार्श्व जी कह रहे हैं श्रेडेड होना है, एब्स दिखते हैं पर और शार्प करना है, तो एल-कार्निटिन ले सकते हैं, बिल्कुल आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रिजल्ट मिलेंगे पर थोड़े स्लो मिलेंगे। हसीपुर जी कह रहे हैं हाय, तो हाय जी। अजू निमेश कह रहे हैं भाई मेरे को ये पूछना है कि मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ पर मेरे को ज़्यादा प्यास नहीं लग रहा है, क्या लूँ, बंद कर दूँ क्रिएटिन? भाई क्रिएटिन प्यास नहीं लग रहा है भाई, ले लो क्रिएटिन, कोई दिक्कत नहीं है, पानी आप अच्छे से पियो बस। MKV कह रहे हैं सर मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं मिला है, भाई बारिश का मौसम है, डिले चल रहे हैं ऑर्डर, थोड़ा सा पेशेंस रखें, सपोर्ट करें भैया मेरे को, क्योंकि मेरी खुद की कोरियर कंपनी नहीं है यार, मुझे भी जो है मतलब दूसरे के थ्रू डिलीवरी के थ्रू, उसमें नो डाउट गारंटी वारंटी सब कुछ हमारी होती है, पर भाई कोरियर सर्विस जो है थर्ड पार्टी लेनी पड़ती है, तो उन्होंने बोल दिया यार, उनके जो हेड हैं डिलीवरी के हमारे एरिया हेड, उन्होंने बोल दिया भैया डिले चलेंगे, 2 से 3 दिन तक का डिले चलेगा, इवन 4-4, 5-5 दिन भी डिले चल रहे हैं कोरियर। फिरोज शेख कह रहे हैं सर मैं इंदौर से हूँ, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, वजन है 71 kg, उम्र है 42 साल, मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम है, मुझे कौन सा सब्जी मिलना चाहिए बता दे, रोज 1 घंटा जिम जाता हूँ, मुझे मसल मास वेट गेन करना, वेट बढ़ाना है। भाई देखो समझ गया मैं आपकी बात, आप यहाँ पर सबसे पहले ना गट पावर ले लो, उससे क्या है कि डाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, भूख बढ़ जाएगी, और इंदौर में तो शॉप जरूर ओपन होगी ये, बट अभी जो है कानपुर पहले, फिर जलंधर, देन उसके बाद में इंदौर का भी नंबर आएगा। पार्श्व भज्ज कह रहे हैं भैया बेस्ट एल-कार्निटिन सप्लीमेंट, तो भाई यहाँ पर आप ले लें एल-कार्निटिन में, RC का ले सकते हैं, मतलब 3000 mg, और स्टारएक्स का भी अवेलेबल है, वो भी ले सकते हैं।
ऑलराउंडर कह रहे हैं मुरादाबाद में ओपन करा दो भाई, तो मुरादाबाद में जरूर ओपन होगी पर उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। एमकेवी कह रहे हैं 26 अगस्त को ऑर्डर किया था, अभी तक नहीं मिला है भाई। गट पावर भाई, ये वीडियो डिले चल रही है तो आपको ऑर्डर अब मिल गया होगा, बाकी हाँ डिले चल रहे हैं ऑर्डर स्टिल, क्योंकि बारिश आप देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया में पूरा बारिश का कहर जारी है। सुमन जी कह रहे हैं भाई प्रोटीन से वजन बढ़ता है, भाई प्रोटीन से वजन नहीं बढ़ता है, अगर वजन बढ़ाने का गोल है तो आप मांस गेनर की तरफ जाइए। टेक्निकल जी कह रहे हैं सुमित भाई महाराष्ट्र पुणे में शॉप ओपन होनी चाहिए, भाई बिल्कुल होगी बट अब इसमें टाइम लगेगा। एमडी तबारक कह रहे हैं भाई दिल्ली में कब आते हो, भाई मुझे आपसे मिलना है, तो भाई दिल्ली में मैं जो है नेक्स्ट वेडनेसडे डे आऊँगा, बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो कौन से दिन कौन से आउटलेट पर रहता हूँ, वहाँ पर मैं वीडियो डालता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन आ रहा है नितिन ब्लैक जी कह रहे हैं शरीर नहीं भर रहा है, एज 18 है, 2 साल हो गए हैं जिम करते हुए, तो यहाँ पर पावर मास गेनर आप लीजिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। मुंबई भी शॉप ओपन होगी भाई जरूर। रजत जी कह रहे हैं भाई इंदौर में, तो इंदौर में तो जरूर ओपन होगी। राजप्रीत कह रहे हैं पंजाब मानसा में, भाई मानसा नहीं पंजाब जो है जलंधर में सबसे पहले जो है शॉप ओपन होगी। मोनोजीत जी कह रहे हैं भैया आप भोपाल में भी प्लान करो, भाई भोपाल में नहीं मध्य प्रदेश में इंदौर में पहले होगी, भोपाल में भी करूँगा पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अनिरुद्ध जी कह रहे हैं सर मेरा वजन 54 kg है, मेरा वेट नहीं बढ़ता है, 174 सेंटीमीटर हाइट है, 5 साल से। भाई आप लोग पावर मास गेनर भूख की समस्या है तो गट पावर ऐड करो, वजन बढ़ेगा जरूर। अर्नव जी कह रहे हैं भैया ISO 100 ISO Pure में से कौन सा बेटर है, भाई अगर मैं पर्सनली बोलूं तो भाई ISO Pure बेटर है कंपेयर टू ISO 100। वैसे देखो ISO 100 भी बुरा नहीं है पर ISO Pure अगर मैं होता तो मैं ISO Pure चूज करता। अजय सोनी कह रहे हैं भाई हाइट के लिए कुछ लाओ, तो भाई हाइट के लिए कुछ नहीं आता है, अगर कुछ आता तो भाई बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी बहुत बड़े बड़े नाम है जिनकी हाइट छोटी रह गई है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उनको हाइट की वजह से और वो फिर खाते और हाइट बढ़ा देते हैं, लेना भी मत नुकसान करेगा। रफी खान कह रहे हैं हेलो सर आप बोलते हैं सप्लीमेंट वाला चाय ऑनलाइन ऑफलाइन मंगाएं और लेकिन मेरे पास 2 हफ्ते हो गए कोई सपोर्ट नहीं मिला है, तो भाई रफीक देखो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कॉल करते हैं कॉल नहीं अटेंड हो पाती है, 2 से 3 दिन हम लगातार कॉल करते हैं, तो अगर कॉल अटेंड नहीं कर पाएं तो प्लीज़ आप कॉल बैक कर लें और ये कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आ रहा है इस पर आप जो है पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। काफ़ी बार जो है कॉल मिस हो जाती है तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, और काफ़ी बार हमारी तरफ से भी एक आध जैसे पूरा डेटा रहता है एक आध नंबर मिस हो जाता है, यार आदमी इंसान ही तो है भाई तो गलती होती रहती है, तो रफीक भाई आप बुरा मत मानिए। सोनू जी कह रहे हैं ब्रो मेरी हाइट है 165, वेट है 45 और मेरा डाइजेशन बहुत ख़राब है, तो आप लीजिए गट पावर, जल्दी ऑर्डर करें सप्लीमेंट फिला से। और यहाँ पर बिट्टू दास कह रहे हैं सुमित भाई मेरा वेट है 62, हाइट है 5'8", एज है 22, मेरे को मसल साइज बढ़ाना है लेकिन कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, मैं एक बार पावर प्रो प्रोटीन ले चुका हूँ अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, अब कौन सा प्रोटीन लूँ, भाई मैं समझ गया तो पावर प्रो को या तो कंटिन्यू करें, कंटिन्यू नहीं करना है तो आप इससे बेटर ऑप्शन है RC प्रोटीन पर डाइजेशन का उसमें इशू है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सैनी बॉय कह रहे हैं अरे भाई क्या बात है सैनी बॉय का, भाई तो मैं हर किसी कमेंट पढ़ता हूँ। आजा जी कह रहे हैं मेरी हाइट है 5'8" और मेरा वजन है 64 kg, मुझे जिम 9 से 10 बजे जाता हूँ, जिम जा रहा हूँ, मेरा वजन कम हो रहा है, मास गेनर लेना चाहता हूँ, यूज़ में किस समय लूँ, वजन 70 तक लाना चाहता हूँ, मैंने गट पावर और पावर मास गेनर ले भी चुका हूँ, मेरा 4 किलो वजन बढ़ा है, अब मैं दोबारा लेना चाहता हूँ गट पावर, दोबारा ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास गेनर कैसे यूज़ करना है इस वीडियो को देखें और जिम करने के बाद मास गेनर लेना है एक बार आप मॉर्निंग में लीजिए उसे ताकि अच्छे रिजल्ट्स आपको मिले, तो पावर मास गेनर और गट पावर आप ले सकते हैं दोबारा। GBS जी कह रहे हैं भाई मैं बरेली से हूँ, आओगे बरेली में, भाई तो बरेली का भी नंबर आएगा आउटलेट ओपन होने का, बट अभी मतलब उस उधर की साइड देखें तो मुरादाबाद का पहले आएगा, पर अभी सबसे पहले कानपुर, देन जलंधर पंजाब, देन उसके बाद में आएगा आपका बुलंदशहर अलीगढ़ इनका सबका। असगर अली कह रहे हैं सुमित सर जैसे हम जिम पर नहीं जा पा रहे हैं तो इस पर एक वीडियो बनाएं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो भाई बिल्कुल जो इसके लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा, और गाजियाबाद में आउटलेट ओपन होगा, लव यू टू असगर भाई, पर उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर जब भी आउटलेट ओपन होगा तो आप कमर कस लेना, ओपनिंग पे आपको जरूर आना है। केशव जी कह रहे हैं सर मेरी एज है 18+, मास गेनर ऑर्डर कर दिया है, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा भाई निश्चिंत रहें। शाहरुख खान कह रहे हैं मुरादाबाद आओगे भाई, मुरादाबाद में जरूर आउटलेट ओपन होगा भाई निश्चिंत रहें, पर थोड़ा टाइम लग सकता है। अंश जी कह रहे हैं भाई दिल्ली में कब ओपन होगा, भाई दिल्ली में कालकाजी में ऑलरेडी आउटलेट है, आप गूगल मैप पर लोकेशन डाल सकते हैं, आपको जो है पूरी लोकेशन मिल जाएगी। इमरान खत्री कह रहे हैं सुमित भाई गुजरात शॉप ओपन, भाई गुजरात में भी शॉप ओपन होगी पर अभी थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें। और राजा भाई कह रहे हैं भाई मुरादाबाद में कब ओपनिंग करोगे, तो भाई मुरादाबाद में जल्दी ओपन होगा बट अभी कानपुर, देन उसके बाद में जलंधर, देन उसके बाद में मुरादाबाद का भी नंबर आएगा। अर्णव जी कह रहे हैं भैया 2019-20 जब StarX कंपनी नहीं थी तब बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन जब से StarX कंपनी आई है आपकी वैरायटी डाउन हो गई है, पहले आप पे केविल एवरॉन के मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट रहते थे, अब नहीं है वैरायटी शॉप पे, मैं समझ गया आपकी बात भाई। देखो अर्णव भाई मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको, देखो वैरायटी आज भी उतनी है, आप supplementsala.com पर जाकर देखो सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, जो एलियो इंपोर्टर हैं इनके डायरेक्ट, मतलब जो हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं सप्लीमेंट्स वाला, एलियो जो इंपोर्टर हैं केविन लेवरॉन के, भाई उनके पास स्टॉक नहीं होता, बताओ फिर मैं कैसे स्टॉक लूँ। और मेरा नियम हमेशा से एक रहा है कि स्टॉक आएगा तो इंपोर्टर से आएगा डायरेक्ट, समझ रहे हैं आप,
बीच में किसी इंटरमीडिएटर से नहीं, क्योंकि बहुत गड़बड़ है, बहुत डुप्लीसिटी है इसमें, तो इसलिए डायरेक्ट इंपोर्टर से आएगा। अब उनके पास हो तो मेरा पूरा स्टॉक। और रही बात स्टारएक्स की, तो मुझे एक चीज बताओ कि 100 में से, मतलब प्रोडक्ट क्यों सजेस्ट करता हूं मैं, रिव्यू के बेस पे काम करता हूं, 100 में से 90 लोग स्टारएक्स की तारीफ कर रहे हैं, भैया क्यों ना सजेस्ट करूं मैं उसको, एक कारण बताओ ना मुझे भाई। मेरा जो है सेल का गोल नहीं है, वरना बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हायर करती हैं, बड़ी बड़ी मार्केटिंग में पैसा खर्च करती हैं। आप भी समझ रहे हैं मैं किसका बारे में बात कर रहा हूँ, यूट्यूब इंस्टा कुछ भी खोल लो, सबसे पहले जो है ऐड आ जाता है उनका, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ले रखे हैं उन्होंने, सेलिब्रिटीज भी बोले जा रहे हैं उनके फेवर में, क्यों बोले जा रहे हैं भैया, उनको तो सेलिब्रिटी है, उनको तो मार्केटिंग करनी है, पैसे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर वो ब्रांड सप्लीमेंट फिला पर नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती, क्या उनकी डिमांड नहीं है? बिल्कुल डिमांड है यार, जब इतनी मार्केटिंग हो रही है, सप्लीमेंट फिला का नाम लोगों के कानों में है, तो सप्लीमेंट फिला पर भी कॉल आती है, भैया ये ब्रांड मिल जाएगी, मैंने टीवी पर ऐड देखा था, मैंने वहां ऐड देखा था, वहां ऐड देखा था, आपके पास है ये? हम कह देते नहीं है ये, क्या मैं रख नहीं सकता उसको? रख सकता हूं, क्यों नहीं रखता? भैया जिस ब्रांड की क्वालिटी बेकार है, रिव्यूज बेकार है, मैं उसे नहीं देखना, मुझे सप्लीमेंट्स वाला पर वही प्रोडक्ट सजेस्ट करना जिसके रिव्यूज अच्छे हैं। और स्टारएक्स के रिव्यूज इस टाइम सबसे अच्छे हैं, स्पेशली कुछ प्रोडक्ट्स जैसे पावर मास गेनर है, पावर प्रो प्रोटीन है, टेस्टो पावर है, इनके भयंकर रिजल्ट्स हैं, तो ये चीज समझे आप। और बाकी वैरायटी भाई आज भी उतनी है, पर जब स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है तो मैं कैसे लाऊं केविन लेब्रोन का? और जितना भी स्टॉक मिल रहा है ना केविन लेब्रोन का, इधर उधर आप देख रहे हैं भाई, समझो इंपोर्टर के पास नहीं है स्टॉक, अब कैसे आ रहा है इनके पास स्टॉक, आप खुद दिमाग लगाइए। हरमान सिंह कह रहे हैं पंजाब लुधियाना में ओपन करो ब्रो प्लीज, तो पंजाब में लुधियाना में जरूर ओपन होगा। आकाश जी कह रहे हैं हेलो सर, कानपुर में आउटलेट का ओपन होगा 1-10 तारीख के बीच में होगा भाई, अक्टूबर में, कौन सा दिन कौन सी डेट रहे आप मुझे सजेस्ट करो। सोनू कुमार कह रहे हैं भाई बिहार में आउटलेट होगा भाई, पर उसमें टाइम लग सकता है, इस साल के एंड तक मैं बिहार का भी ट्राई करूंगा। पिंटू जी कह रहे हैं सर न्यूट्रिशन पावर मास गेनर और जीएनसी वेट गेनर के ऊपर वीडियो बनाओ, कौन सा वेट बनाने कौन सा बेस्ट है, तो पावर मास गेनर बेस्ट है, बाकी जल्दी मैं इसको लेकर वीडियो बना दूंगा। अबीर हसन कह रहे हैं सर सऊदी भेज सकते हैं, तो भाई सऊदी में मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, बाकी कोरियर पार्टनर से मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। अजमल जी कह रहे हैं टेस्टो पावर कैसे यूज करें रात को दूध के साथ। सरफराज जी कह रहे हैं सुमित भाई पावर मास गेनर लिया था 6 kg वाला, 1 kg वजन बढ़ा खत्म हो गया, गेनर केवल मतलब गेनर ही पी रहा था दूध के साथ, कोई डाइट नहीं ली, मूड बहुत खराब है, धन्यवाद भाई। तो मूड तो खराब होगा ही, मैं सारे भाइयों को कहना चाहूंगा जब भी मास गेनर लें कमर कस लें डाइट लेने के लिए, क्योंकि डाइट अगर नहीं लोगे रिजल्ट नहीं आएंगे, वरना भाई रिजल्ट अगर सिर्फ रिजल्ट आने ना 600-700 की चूरन चटनी से भी रिजल्ट आ जाते हैं, पर वो लीवर को नुकसान करेंगे, और उनको तो बिना डाइट के रिजल्ट आ जाते हैं। तो भाई इसलिए अगर आप कोई ऑरिजिनल चीज ले रहे हैं या पावर मास गेनर या कोई भी ऑरिजिनल मास गेनर ले रहे हैं, उसके साथ डाइट का सपोर्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं आएंगे, और 1 kg वजन बढ़ गया ना उसके लिए भी आपको बधाई है, तो समझें आप इसको। डाइट अब अगला मास गेनर तभी लेना जब डाइट के लिए आप तैयार हों। सलमान जी कह रहे हैं भाई मास गेनर अच्छी डाइट फॉलो करें तो 1 महीने में कितना वजन होगा गेन? तो भाई देखो अगर आप जो है अच्छी डाइट के साथ मास गेनर लेते हैं तो 1 महीने में आपका 8-10 kg तक वजन बढ़ सकता है, और मास गेनर में सबसे अच्छा है पावर मास गेनर। आकाश जी कह रहे हैं एज 20 है, वेट 45 है सर, जिम नहीं करता हूँ, टाइम नहीं मिलता है, क्या लें गेनर और टेस्टो पावर? शरीर बहुत पतला है, शरीर में फैट आ जाएगा। भाई आप लोग पावर मास गेनर, पावर मास गेनर के साथ में टेस्टो पावर नहीं गट पावर लें, वो बेटर ऑप्शन रहेगा, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज घर पे कर लें वो भी बहुत है, रनिंग वनिंग मत करना, थोड़ा पुशअप्स वगैरह स्क्वाट्स वगैरह पुलअप्स वगैरह ये घर पे करें, क्योंकि उससे क्या है कि एक्सरसाइज करने से भी डाइजेशन ठीक रहता है, अच्छा रहता है। और लुधियाना में जल्दी ओपन होगी शॉप। हिमांशु जी कह रहे हैं भाई आपकी शॉप कभी ऑफ तो नहीं होती? भाई बिल्कुल ऑफ नहीं होती, आप बिल्कुल निश्चित रहें। और 25 साल के हैं आप, वजन है 47 kg, मैंने जब एक मंथ से आपकी वीडियो देखता स्टार्ट किया है तो कुछ हौसला आपको आया है और शेड्यूल बना लिया है डाइट का, और अब शॉप मास गेनर ले रहे हैं भाई, बिल्कुल दिल्ली वाले आउटलेट पर जो है कालका जी विजिट कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, आप पावर मास गेनर लीजिए। यहाँ पर जो है नवाब जी कह रहे हैं भाई फिरोजपुर झिरका मेवात में भी शॉप ओपन कर दो, यहाँ कोई ओरिजिनल सप्लीमेंट नहीं मिलता है, एक बार मेवाती लोगों के लिए भी तो सेवा का मौका दो, हम मेवाती इतने बुरे भी नहीं है जितने आप लोग मानते हैं बॉस प्लीज। भाई टोकना चाहूंगा मेरे नवाब भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा नूह मेवात मतलब जितना भी मेवात का एरिया है सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्स वाला फैमिली मेंबर आते हैं। मैंने कब बोला मतलब नहीं यार आप, और नो डाउट भाई मेवाती भाई जितने भी हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत ही मतलब जो है मैं करूं प्यार से बात करते हैं, और आपकी जो लैंग्वेज में जो एक मिठास है ना वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है यार। और देखो भाई नवाब भाई आप समझो कि जितने भी आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं ना ये आपके अपने आउटलेट्स हैं, आपने मेरे को बोला झिरका फिरोजपुर का 110% आउटलेट ओपन होगा, पर भाई टाइम लगता है क्योंकि अभी कानपुर में होगा, फिर जलंधर में होगा, देन उसके बाद में फिर जो है अलीगढ़ की तरफ होगा, बाकी मैं यहाँ का भी झिरका फिरोजपुर आप जो कह रहे हैं वहां पर मैं जल्दी ही आउटलेट ओपन करूंगा। आउटलेट ओपनिंग में आपको ही आना पड़ेगा, रीबन आपको ही काटना पड़ेगा, मालाओं से भाई का मैं स्वागत करूंगा, पर भाई ऐसा ना बोलो आप सब मेरे दिल में हो यार।
और यहाँ पर जो है नंबर वन फिटनेस कह रहे हैं भाई लखनऊ में कमाएंगे, तो भाई लखनऊ में जल्दी ही ओपन होगा, पर पहले कानपुर है, तो कानपुर की ओपनिंग 1 से 10 अक्टूबर के बीच में रखेंगे। कौन सी डेट रखनी चाहिए, कौन सा बार, आप मुझे बताइए। शादाब जी कह रहे हैं भाई आर से किंग मास लिया था मैंने, मेरा वेट 68 kg हो गया है, सो थैंक्स भाई, अब मुझे क्या लेना चाहिए, प्रोटीन या गेनर, और अगर मुझे प्रोटीन लेना है कौन सा प्रोटीन लूँ। तो भाई देखो आपका जब 68 kg वजन हो गया है तो आप गेनर की तरफ मत जाओ, प्रोटीन ही लो। प्रोटीन में आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, जैसे अगर आप जो है नॉर्मल फिटनेस पर्पज से चाहते हैं तो आप कोई भी ब्लेंड प्रोटीन ले सकते हैं, गेनिंग से चाहते हैं तो आप स्टार एक्स पावर ले सकते हैं, आरसी का ही प्रो एंटीम ले सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। प्रॉपर बताइए कि आप चाहते क्या हैं, ये मुझे बताइए। मोनू जी कह रहे हैं भाई पटियाला में शॉप ओपन करो, बेस्ट लोकेशन मैं मेरठ आऊँगा भाई, पलवल की मशहूर रबड़ी खानी है भाई, लव यू। तो भाई मोनू भाई जरूर मोस्ट वेलकम है, आप आइए, और पटियाला में नहीं जो है जलंधर में जो है पहले आउटलेट ओपन होगा, और मोस्ट वेलकम। और मेरठ में प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, किस दिन मैं आता हूँ मेरठ वो चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे। मोहिद्दीन कह रहे हैं एज 32 है, हाइट 5'11" है, वेट 58 है, मुझे भूख नहीं लगती है, लीवर 52 ले रहा हूँ, चलेगा भाई? तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप जो है गट पावर लीजिए, वो और अच्छे रिजल्ट्स आपको देगी। ऋतिक रोशन कह रहे हैं भाई एक बार फुल डे डाइट प्लान के वीडियो बनाओ, तो भाई मैं जरूर इसको लेकर वीडियो बनाऊंगा। B4X Pro आप कह रहे हैं जो मेरा कमेंट पड़े उसके माता पिता खुश रहें, तो भाई सभी के माता पिता खुश रहने चाहिए, हाइट बढ़ाने के लिए कुछ नहीं आता भाई, लेना ही मत। विपुल राव कह रहे हैं भाई साइज गेनिंग करते तो वजन नहीं बढ़ता है क्या? तो भाई ऐसा नहीं है यार, मतलब वजन भी बढ़ेगा पर कम बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता है। विपुल रो कह रहे हैं भाई मुझे पावर मास गेनर का बाल्टा और टेस्टो पावर ऑर्डर करना है, बजट कम है, थोड़ा बहुत लेस हो सकता है क्या प्राइस? विपुल भाई मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप ऑनलाइन मतलब जो मंगाते हैं ना, तो भाई उसमें जो है डिस्काउंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, आप खुद समझो कि क्योंकि उसमें कूरियर चार्जेस वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा ऐड होते हैं, तो इसलिए उसमें डिस्काउंट करना मुश्किल हो जाता है। बाकी हाँ अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो मैं कुछ डिस्काउंट जो है कर देता हूँ, और करता भी हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है यार, तो ऑनलाइन में थोड़ा सा मैं माफ़ी आपसे चाहूँगा। अनुराग जी कह रहे हैं सुमित भाई मेरी एज 20 है, हाइट 5'11" है और वेट है 75, मुझे मसल साइज गेन करना है, थोड़ा वेट भी कम है शायद, मेरा चेस्ट बैक अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं, अभी मैं 1 साइंस का भी प्रोटीन ले रहा हूँ, उसके साथ कुछ और ऐड ऑन कर दूँ थोड़ा, बताओ भाई। उसके साथ में आप क्रिएटिन, एनर्जी प्रो, टेस्टो पावर जरूर ऐड कर लो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और देखो 5'11" के हिसाब से 75 वेट मतलब जो है इतना कम नहीं है, नो डाउट 75-80 के बीच रहना चाहिए, तो ठीक है आइडल वेट है, बाकी आप जो है प्रोटीन से ही बढ़ा सकते हैं, गेनिंग प्रोटीन आप नेक्स्ट टाइम ले लेना, और अभी की अभी जो है आप सप्लीमेंट्स वाला से क्रिएटिन, टेस्टो पावर और एनर्जी प्रो ऑर्डर कर दो। दीपक जी कह रहे हैं भाई मेरा वेट 41 है, खाना भी खाता हूँ बहुत पर वेट नहीं बढ़ता, तो पावर मास गेनर आप यूज़ करो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ब्रजेश जी कह रहे हैं गोरखपुर में ओपनिंग कीजिए सर प्लीज़, तो बिल्कुल जो गोरखपुर में ओपन होगी, पर भाई अभी पहले कानपुर, देन उसके बाद में जलंधर पंजाब, देन आएगा अगला नंबर। यहाँ पर जो है पवन जी कह रहे हैं भाई जी मैंने गट पावर एनर्जी प्रो लिया, 5-10 दिन हो गए हैं, भूख भी लगती है बट वजन नहीं बढ़ रहा है, और मैं जॉब करता हूँ, जिम नहीं कर सकता, थोड़ा सजेस्ट करो, जयपुर आउटलेट पर फेस टू फेस बात करूंगा भाई जी आपसे, बताना जरूर कब आओगे। तो भाई सबसे पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो करो पवन भाई, वहाँ पर मैं बताऊंगा कि मैं कब आता हूँ कब नहीं। और दूसरा जो है आप यहाँ पर जो है गट पावर से भूख बढ़ गई है, आप गट पावर 1 महीने यूज़ करो, उसके बाद पावर मास गेनर ऐड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिम जाओ मत जाओ कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा बहुत वर्कआउट घर पर कर लेना, आपको वजन बढ़ेगा जरूर। मक्खन मीना जी कह रहे हैं भाई लीवर 52 दो टैब सुबह 2 शाम ले सकते हैं, और खाना खाने के कितने देर बाद ले? भाई एक बहुत होती है, ज़्यादा ओवर यूज़ भी किसी सप्लीमेंट का गलत होता है, और खाना खाने के आप जो है तुरंत बाद ले सकते हैं 1 घूंट पानी के साथ। शानू जी कह रहे हैं हेलो भैया राम राम, गुरुग्राम में आओ ओपनिंग संडे को रखो। भाई तो हो चुकी है ओपनिंग, क्योंकि ये वीडियो काफी लेट बन रही है। निखिल जी कह रहे हैं राम राम भाई मेरा वेट 53 kg है, हाइट 5'11" है, मेरा वेट कितना होना चाहिए? तो आपका वेट होना चाहिए 5'11" के हिसाब से 75-80 के बीच में, और अभी अंडर वेट है, ओवर अंडर वेट है आप, और आप लीजिए पावर मास गेनर का बाल्टा। केशव जी कह रहे हैं सर अगर हम COD करके मास गेनर लेते हैं तो उसमें GST बिल मिलता है? नहीं, अगर मिलता है तो उसके चार्ज। भाई आप ऑनलाइन लें ऑफलाइन लें, आपको सप्लीमेंट्स GST बिल के साथ ही मिलेंगे, सप्लीमेंट्स मिला से ओरिजिनली मिलेंगे, और जो मैं प्राइस बताता हूँ फॉर एग्जांपल जैसे स्टारएक्स न्यूट्रिशन पावर मास गेनर का प्राइस है 3200 रुपये, तो भाई वो 3200 रुपये में GST वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है, अलग से कुछ नहीं देना आपको, चाहे ऑनलाइन लें चाहे ऑफलाइन लें। राहुल जी कह रहे हैं मेरा शहर में खजूर नहीं मिलता है, उसके जगह पर छुहारा का प्रयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेमिंग जी कह रहे हैं सर मेरा वेट है 55, मेरी 19 साल का हूँ, बॉडी में कटिंग लानी है, वेट गेन करना है, तो कौन सा गेनर लेना चाहिए? तो यहाँ पर देखो आप लें फिर मसल गेनर बेटर ऑप्शन है। आपकी हाइट कितनी है ये और मुझे बता दीजिए। UP 16 कह रहे हैं सुमित भैया मैंने पावर मास गेनर लिया था, 5 kg वेट गेन हुआ है, मेरा वेट 61 है, मैं अपने वेट 65 तक करना चाहता हूँ, क्या मैं फिर से पावर मास गेनर ले सकता हूँ? कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? भाई देखो साइड इफेक्ट नहीं होगा, पर यहाँ पर देखो 61-60 से ऊपर हो चुका है यार, मसल गेनर ले लें वो बेटर ऑप्शन है। देखो अब आपको मसल साइज भी 7 के 7 बढ़ाना चाहिए, 7 किलो से नीचे जो होता है ना उसको मैं मास गेनर सजेस्ट कर देता हूँ, 60 से ऊपर वाले को मेरे हिसाब से मास गेनर लेने की जरूरत नहीं है, पर हाँ अगर आपकी हाइट 6 फिट है तो आप जरूर एक बार और पावर मास गेनर ले सकते हैं।
शिकोन साहब कह रहे हैं पंजाब में पटियाला बेस्ट लोकेशन है, पटियाला में के बहुत कमेंट्स रहे हैं सर, एक बार पहले पटियाला में ओपन करो, अमृतसर में कर देना सर। भाई अब तो लुधियाना में जो है ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका है, तो पहले लुधियाना ओपन होगा उसके बाद फिर पटियाला का भी नंबर आएगा। गगनदीप जी कह रहे हैं पटियाला में ओपन करो सप्लीमेंट विला शॉप सर, सर प्लीज़ प्लीज़। तो भाई लुधियाना में यार पहले लुधियाना में ओपन होगा, क्योंकि लुधियाना की बहुत रिक्वेस्ट आई है, तो लुधियाना में मैंने अनाउंसमेंट भी कर दी है, बाकी पटियाला का भी मैं जल्दी ही रखूँगा। नायब सिंह कह रहे हैं सर पटियाला में, तो भाई अमृतसर बहुत दूर है, लवी सुमित भाई रिक्वेस्ट है भाई मैं जरूर यार पटियाला में भी ओपन करूँगा। देखो सारे आउटलेट्स आपके अपने हैं, तो एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट खोलने में ना हमको यार 15-20 दिन का टाइम लग जाता है, क्योंकि भाई इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि एक महीने में 50 आउटलेट खोल दूँ, क्योंकि आप भी कितना आम आदमी हूँ मैं भी। तो पटियाला में भी ओपन होगा, बट पहले जो है जलंधर की प्लानिंग हो चुकी है, अनाउंसमेंट मैं कर चुका हूँ। राहुल जी कह रहे हैं सर मुझे वेट गेन करना है, कटिंग लानी है, एज 18 है, 60 kg वेट है, हाइट 6 feet है। तो यहाँ पर जो है आप जो समझ गया, यहाँ पर मसल गेनर नहीं बेस्ट है, रनिंग भी करते हैं वो भाई, रनिंग वाले की थोड़ी गेनिंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कार्डियो एक्सरसाइज है, वो मसल्स लॉस भी होता है उसमें, बाकी कोई नहीं आप जो है मसल गेनर ही लें वो बेटर ऑप्शन है आपके लिए। जॉन भाई कह रहे हैं भैया मेरी वेट है 51 kg और था, अब सप्लीमेंट विला से जुड़कर 63 kg हो गया है, थैंक्स सप्लीमेंट विला, नेक्स्ट गोल साइज गेन का है और मैं बेस्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट का हकदार भी हो गया हूँ, जल्दी ही आपके पास आने वाला हूँ। तो भाई मोस्ट वेलकम है, आइए, और मैं भी चाहता हूँ कि आप अचीवमेंट सर्टिफिकेट मेडल और कुछ गिफ्ट भी सप्लीमेंट्स वाला की तरफ से लेके जाएं। लूसीफर कुमार कह रहे हैं सर उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, वेलकम सर कानपुर में ओपनिंग के लिए, जल्दी ओपन करिए। तो भाई बिल्कुल मैं ठीक हूँ और तैयार हो जाओ भाई लूसीफर भाई आप ओपनिंग में आने के लिए। 1 से 10 अक्टूबर के बीच ओपनिंग रखेंगे, डेट और डे मुझे बताओ उसी हिसाब से फिर हम रखेंगे ओपनिंग, क्योंकि जब मुझे क्या करना है यार, सारा काम आपका है, ओपनिंग आपकी है, रीवन आपको काटना है, मुझे तो सिर्फ आपका स्वागत करना है और भाइयों को जो है पूरी सेवा करनी है भाइयों की उस दिन। बस ओपनिंग की डेट जो है और डे आप मुझे बताइए, 1 से 10 के बीच में रखते हैं अक्टूबर में। हिमांशु जी कह रहे हैं डाइट प्लान चाहिए भाई, मास गेनर लिया है। तो भाई हिमांशु जी कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, वहाँ पर आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप जो है ये नीचे एक नंबर आ रहा है अभी स्क्रीन पर जब मैं आपको कमेंट पढ़ रहा हूँ, इस वाले पर भी आप करें, कोई भी आपको डाइट प्लान एक्स वाई जेड कुछ भी आपको चाहिए तो इस वाले नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। सतीश जी कह रहे हैं सुमित भाई पावर मास गेनर 6 kg वाले से 5 kg वजन बढ़ा है, आस पास और वजन बढ़ाना है वजन, अब मेरा वजन 55 kg है। भाई देखो सतीश आपका कम वजन बढ़ा है, 6 से 8 से 10 बढ़ना चाहिए था, मतलब आपने डाइट पर फोकस नहीं किया है, तो डाइट पर पहले फोकस करो और दोबारा पावर मास गेनर आप ले सकते हैं, पर ध्यान रखना डाइट जरूरी है। फ्रोज जी कह रहे हैं आगरा में खुलने सोचा है क्या भाई, मथुरा कब मिलोगे? तो भाई मथुरा में सैटरडे को मिलता हूँ, बट आगरा में अभी नहीं है, आप पहले कानपुर है उस आगरा में भी होगा बट अभी टाइम लगेगा उसमें। सनी जी कह रहे हैं हेलो सर ये बताएं कि स्टार एक्सप्रेस पावर मास गेनर को मेडिकल यूज़ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं? भाई मेडिकल यूज़ मतलब क्या मेडिकल यूज़ में लेना है आपको मुझे बताइए, ताकि मैं प्रॉपर आपको आंसर कर सकूं कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसको मुझे शेयर कीजिए। फ्रोज जी कह रहे हैं 2-3 साल पहले आपको फॉलो कर रहा हूं, मतलब मथुरा कब मिलोगे? वेट बढ़ाना है मुझे अपना, आपसे मिलना भी है भाई, तो सैटरडे को मैं मथुरा मिलूंगा, मतलब ये वीडियो देख रहे हो आप संडे को, तो नेक्स्ट कमिंग सैटरडे को मैं थोड़ा आऊँगा। रजत जैन कह रहे हैं सुमित भाई पावर प्लस मसल गेनर और पावर प्रो प्रोटीन में क्या फ़र्क है? मुझे मसल गेन करना है वेट नहीं बढ़ाना, क्या ले सकते हैं? तो भाई मसल गेन करना है पावर प्रो लीजिए आप, पावर प्लस मसल गेनर आपका वेट ही बढ़ाएगा, पावर प्रो बेटर ऑप्शन है, प्रोटीन उसमें ज़्यादा है मसल साइज गेनिंग पर्पज से। अभिजीत जी कह रहे हैं भैया एनाबॉलिक मास ज़्यादा अच्छा है, पावर प्लस कौन सा लेना चाहिए? मैं एक पावर प्लस यूज़ कर चुका हूँ, इस बार कौन सा लूँ या फिर कोई ब्रांड अच्छा रहेगा? तो भाई पावर प्लस के बेटर रिव्यूज़ हैं, बाकी एनाबॉलिक भी अच्छा है नो डाउट, और अभी एनाबॉलिक आउट ऑफ स्टॉक है पर जल्दी ही इन स्टॉक हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक, तो अब पावर प्लस ट्राई कर चुके हैं, एक बार एनाबॉलिक भी ट्राई करें आपको डिफरेंस भी पता लग जाएगा। करण जी कह रहे हैं भाई गेनर लिया था आपसे स्टार एक्स का, दूसरी बार पहले 4 kg बढ़ा, अब ऐसे लग रहा है कि पेट फूल रहा है, बताओ क्या सोल्यूशन दो? भाई आपका वजन कितना है, आपका कितना वजन हो चुका है मुझे वो प्रॉपर बताओ। और देखो भाई पावर मतलब मास गेनर आप ले रहे हैं तो भाई उसमें फैट भी आता है यार, अगर आपका वजन 60 kg तक हो चुका है, उससे ऊपर बढ़ चुका है, तो फिर मास गेनर मत लीजिए। यहाँ अमन जी कह रहे हैं आसाम गुवाहाटी पर कब खोलोगे? भाई आउटलेट खुलेगा आसाम भी, पर उसमें अभी टाइम लगेगा। अमीन खान कह रहे हैं सर हाय सर मैं जॉइंट में से आवाज़ आती है, कोई प्रॉब्लम तो है तो बताओ सोल्यूशन बताओ? भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉइंट्स में से कट कट की इस टाइप की आवाज़ आना बिल्कुल कॉमन है, बस दर्द नहीं होना चाहिए। तो आप और इसके लिए आप जो है ना नेचुरल सी बात है आप जो है ग्लूकोसामाइन सप्लीमेंट आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ओमेगा 3 लें, फैटी एसिड थोड़ा अच्छा रखें अपना, ओमेगा 369 का अच्छा रखें, मूंग की दाल खाएं बहुत अच्छा रहता है, अखरोट लें विटामिन ई होता है, तो ये डाइट सुधार लो ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकल गुरु कह रहे हैं सुमित भाई आप कह रहे थे कि ऑल ओवर इंडिया सर्विस अवेलेबल है और मैंने गट पावर ऑर्डर किया था, 200 रुपये पे भी कर दिए, 4-5 दिनों बाद आपके डिलीवरी कोरियर सर्विस का कॉल आया और वो बोल रहे कि आपके यहाँ डिलीवरी अवेलेबल नहीं है और आप वीडियो में बोल रहे हैं कि आप ऑर्डर कर दिए ऑल ओवर इंडिया सर्विस अवेलेबल। सुमित भाई मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज़, गट पावर पहुँचा दो, मुझे सप्लीमेंट विला से ही लेना है। सुमित भाई मेरे
भाई मैं आपके पास समझ गया भाई, मैं माफी चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे पिन कोड्स होते हैं जहाँ पर डिलीवरी अवेलेबल नहीं होती है, बट आप चिंता ना करें, मैं दूसरा कोई कोरियर पार्टनर है उसके थ्रू आपको कोरियर कराऊंगा, आप रीऑर्डर कर दें निश्चिंत रहें, और मैं हर चीज़ ट्राई करता हूँ यार, काफ़ी बार नहीं होती है किसी पिन कोड पे सर्विस, वो फिर कोरियर वाले ही बताते हैं हमको, जो कोरियर सर्विस है डिलीवरी वो बताते हैं भैया इस पे, मतलब उन्होंने कोरियर तो ले लिया, पर काफ़ी बार होता है कि एक पिन कोड, जैसे एक पिन कोड है किसी सिटी का, अब क्या गांव भी जुड़े हुए हैं उससे, तो वो गांव है 15 किलोमीटर दूर, तो फिर वो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, काफ़ी बार ऐसा होता है, बट मैं दूसरे कोरियर पार्टनर से करा दूंगा, आप जो है मुझे रीऑर्डर कर दीजिए। मकन मीना जी कह रहे हैं डाइजेशन के लिए विटामिन सी की टैबलेट कब और कैसे यूज़ करें, और भाई दूध पीने के लिए की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, लैक्टोज की प्रॉब्लम को, भाई देखो दूध की लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम देखो नेचुरली अगर है तो वो ठीक नहीं हो सकती है, उसके लिए आप जो ऐसा कर सकते हैं कि दूध को ना मतलब सिंपली दूध प्योर दूध ना पिए, उसमें जो है जैसे कॉफ़ी वगैरह मिलाकर पी सकते हैं आप उसको, शौक शेक बनाकर या फिर जैसे दूध का कोई आइटम बना लें वो बेटर ऑप्शन रहेगा, या दही जो है बेटर ऑप्शन रहेगा, बाकी विटामिन सी आप लंच करने के बाद ले लीजिए, और अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम रहती है तो आप गट पावर भी ऑर्डर कर सकते हैं। उदय जी कह रहे हैं भाई पटना में दुकान कब तक, भाई पटना में अभी टाइम लगेगा, इस साल के एंड तक मैं ट्राई करूंगा। केशव जी कह रहे हैं सर मेरे पास मास गेनर आ गया है लेकिन मिल्क नहीं पचता है, तो मैं उसे कैसे लूँ, मैंने रात को मिल्क के साथ लिया था मॉर्निंग में मुझे लूज मोशन हो गया। भाई मिल्क अगर नहीं पचता है तो पानी में लो, बाकी ध्यान रखना कि मतलब डाइट जो प्रॉपर तरीका है लेने का वो लेना, वरना रिजल्ट फिर आपको कम आएंगे, क्योंकि दूध में देखो लेने से क्या है रिजल्ट थोड़े से एडवांस हो जाते हैं। उमर जी कह रहे हैं भाई मेरी वेट है 67, हाइट है 5'10", मुझे वेट गेन करना है, मेरा कुल 90 kg है। भाई देखो वेट गेन करना है तो आपको मास गेनर लेना पड़ेगा, बाकी मेरे हिसाब से 67 kg वेट ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता रहे आप मसल गेनर भी ले सकते हैं, पर अगर वजन ही बढ़ाना है आपको मास गेनर से ही आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सुनैद जी कह रहे हैं सुमित भाई मेरा रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चलना होता है, कोचिंग जाते हैं, एनर्जी प्रो ले सकता हूं, और अगर ले सकता हूं तो कितने मंथ तक लगातार यूज़ कर सकता हूं। भाई एनर्जी प्रो नॉर्मल है, कभी भी आप उसे ले सकते हैं और कितना भी लंबा ले सकते हैं, उसमें बेसिकली क्या ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है BCAA वगैरह का, सबसे अच्छा सप्लीमेंट है, एनर्जी आएगी बेस्ट तरीके से आपको। दीपक जी कह रहे हैं भैया मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूं और मेरी 17 अक्टूबर को है, मतलब आपकी रेस जो 17 अक्टूबर है, मुझे प्री वर्कआउट चाहिए, आपकी वीडियो में मैंने देखा था साइकोटिक के बारे में, प्लीज़ आप बता सकते हैं कि मुरैना मध्य प्रदेश में कितने दिन में भेज सकते दोगे, यहाँ सबकी कोई समझ गया मैं आपकी बात। भाई दीपक भाई बिल्कुल आप जो है ऑर्डर करें सप्लीमेंट सलाह से, ओरिजिनल मिलेगा, GST बिल के साथ मिलेगा, और लाइट भी आ गई, और आपको जो है 5 से 6 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि बारिश चल रही है तो थोड़ा सा डिले चल रहा है कोरियर, और लीजिए स्टार्टिंग में 1/2 स्कूप ही लेना। और दीपक भाई आर्मी के लिए देखो पहले आप अपनी रेस को कर लो कंसंट्रेट, पहले वो दे लो, उसके बाद कोई सप्लीमेंट लेना, क्योंकि देखो जब आप रनिंग की तैयारी कर रहे हो, सुबह शाम की तैयारी चल रही होगी, तो उस वाली कंडीशन में रिजल्ट आने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि रनिंग जो है मसल लॉस कराती है। रफीक जी कह रहे हैं हेलो सर मैंने पावर मास्क गेनर मंगाया है, अभी तक यूज़ नहीं किया है, 3 हफ्ते हो गए हैं, सील नहीं खुली है, तो मतलब बिल्कुल भाई नहीं खराब होगा, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अनु जी कह रहे हैं भाई एक बार पक्का बता दो कि आप सप्लीमेंट वीडियो बनाओगे, भाई बिल्कुल बनाऊंगा, पर उसमें जो है मैं जल्दी रिसर्च करूंगा इसके ऊपर, और मे बी शायद नेक्स्ट वीक में ये वीडियो डालूंगा। विकास जी कह रहे हैं सर मेरे फ्रेंड्स के लिए टेस्टो पावर ऑर्डर किया था, उसमें पंपिंग प्लस दे दिया, मैंने व्हाट्सएप पर कंप्लेंट भी किया है, उसका वीडियो बनाकर भी सेंड कर दिया, 7 दिन हो गए भाई रिप्लाई नहीं मिला। विकास भाई मैं बिल्कुल माफी चाहूंगा आपसे, और काफ़ी बार ऐसी गलती हो जाती है, क्योंकि टेस्टो पावर पंपिंग प्लस की ना पैकिंग ऑलमोस्ट सेम सी है, ये नंबर नीचे आ रहा है देख रहे हैं आप, ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उन पे कॉल मत करना, ये नंबर नीचे आ रहा है आपका, ये कंप्लेंट नंबर है हमारा, इस नंबर पे आप कॉल करो, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और वो आपका रिटर्न होके नया आ जाएगा। राहित जी कह रहे हैं सर एक डब्बा की वजह भूख बंद हो गया है, गट पावर दिया, अभी भूख थोड़ा लगता है, अभी गट पावर ले सकता हूँ, भाई बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे हैं कि आपको एक धात रोग है, टेस्टो पावर ले सकता हूँ, नाइट्रोजन ज्यादा, भाई टेस्टो पावर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी आप ज्यादा लीजिए। मंजी जी कह रहे हैं जलाबाद वेस्ट में भी यू ओपन करो शॉप, भाई बिल्कुल ओपन होगी, सभी शहर में ओपन करना चाहता हूँ, पर उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। आमिर खान कह रहे हैं भाई आरसी प्रोटीन लेवल का कोई इंपोर्टेड प्रोटीन सजेस्ट करो जिसमें डाइजेशन प्रॉब्लम भी ना हो, लव फ्रॉम कश्मीर टू सप्लीमेंट फिलहाल। भाई इतने प्यार सपोर्ट के दिल से धन्यवाद है। क्लिप मूवी कह रहे हैं भूख लगता है अच्छे से लेकिन कुछ लगता नहीं है क्या, भाई आप मास्क गिन लो, अगर भूख लग रही है तो मास्क गिन लो, उससे आपका शरीर भर जाएगा। शहबाज कह रहे हैं हेलो सर क्या हम पावर प्रो 2 टाइम ले सकते हैं प्रोटीन, बिल्कुल ले सकते हैं अगर प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर रहे, वैसे एक टाइम में उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। शहबाज जी कह रहे हैं सर गेनिंग में क्रिएटिन बढ़िया रहेगा टेस्टो पावर, गेनिंग में भाई मेरे हिसाब से क्रिएटिन बेटर ऑप्शन है, टेस्टो पावर भी ऐड कर सकते हैं, बट दोनों में से अगर एक लेना चाहते हैं तो क्रिएटिन मैं सजेस्ट करूंगा। नितिन बिलक कह रहे हैं सुमित भाई सप्लीमेंट मिला पावर मास गेनर ऑनलाइन अभी तक नहीं आया, भाई इस टाइम बारिश की वजह से थोड़ा डिले चल रहा है, आपको मिल गया होगा क्योंकि ये वीडियो लेट बन रही है। जुनैद जी कह रहे हैं स्टेमिना बढ़ाने के लिए कौन सा एक्सरसाइज ग्रीन से डाइट यूज़ करूँ सुमित भाई, तो भाई स्टेमिना के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है आपकी क्रॉसफिट एक्सरसाइज, जिसमें मतलब आप समझ रहे हैं ना वो स्लेज हैमर बैटल रोप ये कुछ एक्सरसाइज अच्छी होती है, बाकी रनिंग भी आप कर सकते हैं हफ्ते में अल्टरनेट डेज पर, उसमें स्टेमिना आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तो वो लें। और डाइट में आप ध्यान रखें प्रोटीन डाइट तो ले ही लें, कार्बोहाइड्रेट इंटेक अच्छा रखें भाई, नॉर्मल भाई अपना दाल होती है भाई, रोटी होती है भाई, अपना दूध हो गया प्रोटीन, अगर एक सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट,
तो उसको अपना बैलेंस करके रखो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फैसाई भाई कह रहे हैं, भाई यूपी अलीगढ़ में ओपनिंग फिक्स है, टाइम कौन सा मंथ रखोगे? भाई नवंबर में जो है अलीगढ़ में ओपनिंग हो जाएगी। प्रिंस जी कह रहे हैं, सुमित सर स्टार एक्स पावर मास गेनर जिम करने के पहले, जिम करने के बाद, पावर मास गेनर जिम करने के बाद देना है, लेना कैसे ये वीडियो आ रही है। उत्तराखंड काशीपुर में आउटलेट ओपन होगा पीपी आरपी सिंह जी, पर अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अगला आउटलेट है कानपुर देन जलंधर देन उसके बाद में उत्तराखंड की तरफ भी मैं आऊँगा। तो ये थे क्वेश्चन आंसर जो आपने पूछे हैं लास्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो में पूछा, अगली वीडियो में रिप्लाई करूंगा। वीडियो चलिए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।